नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जो टेस्ट अपने लिया था, पीडीएफ डाली थी मैंने, शेयर की थी आपके साथ, उसका जो सॉल्यूशन देखेंगे। आप सबने कर लिया होगा, तो आप वापस इसके रिवाइज के हिसाब से देख सकते हो। अगर अपन वीडियो देखते हैं तो रिवाइज भी होता है, एक ये चीज़ ये भी रहती है। इसलिए मैंने तो थोड़ा लेट ज़रूर हो गया मैं वीडियो ये इसका सॉल्यूशन डालने में, तो थोड़ा उस टाइम टेब लैपटॉप ख़राब था, तो अब सही करवाया है। और अब अपन डेली का एक एक वीडियो जो डाला था, पेपर डाला था, उसका वीडियो सॉल्यूशन बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन है अपने। और वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बात करते हैं आगे अपन क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रथम तीसरे पैराग्राफ को हाईलाइट कीजिए। तो तीसरे इस तरह से, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको इसमें, कि ये जो क्वेश्चन है ये नहीं आएंगे, पैराग्राफ आएंगे इस तरह से, 4 या 5 6 जो भी आते हैं। वो क्वेश्चन अपने पीडीएफ फॉर्मेट है, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको। तो बात करते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे पैराग्राफ को हाईलाइट करें, तो तीसरे पैराग्राफ ये रहा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हाईलाइट करना है। तो सिंपल, जिस किसी कलर के लिए नहीं बोलता है तो ऑटोमेटिक जो कलर है उसके हाईलाइट कर देना है आपको अपनी इच्छा से। अगर कलर स्पेशली कुछ बोले कि आप येलो डार्क ग्रीन से कीजिए तो करना है, तो इसमें सिंपल बोला है कि हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर दिया अपन ने। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बी है सेकंड का भी, दूसरे पैराग्राफ में बॉटम बॉर्डर प्रदान करें। दूसरे पैराग्राफ में यहाँ जाइए और आपको बॉर्डर और जाना है, और बॉर्डर में जाओगे ओपन करोगे तो ऊपर ही ऊपर है बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर आपको ऐसे अप्लाई करना है। तो बॉटम बॉर्डर के लिए बोला आपको, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरे पैराग्राफ में बॉटम, तो दूसरे पैराग्राम जाके, ऐसा नहीं कि आप ये थर्ड पैराग्राफ गए और उसके टॉप में दे दिया आपने टॉप बॉटम, तो ये उसमें हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है आपको। फिर है चौथे पैराग्राफ में जहाँ भी भारतीय शब्द लिखा है उसे बोल्ड करना है। तो चौथा पैराग्राफ ये, इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, और चौथे पैराग्राफ जहाँ भी भारतीय शब्द लिखा है उसको बोल्ड बोल्ड करना है। तो चौथा पैराग्राफ ये, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फाइंड एंड रिप्लेस में जाइए। फाइंड और रिप्लेस में जैसे आप ओपन करोगे तो इसको यहाँ से आप ये से सर्च करना है आपको। तो ये इसको हटा देते हैं एक बार, जो अपन को सर्च करना है वही ही अपन को इसमें जाना है। इसमें पूरा पैराग्राफ आ गया, और इसमें देखो फॉन्ट, ये फॉन्ट चेंज करना है आपको। फॉन्ट पहले फॉन्ट यहाँ से चेंज करके और फिर सर्च करना है आपको, भारतीय करना है तो भारतीय लिख देंगे अपन। और फाइंड में जाना है, फाइंड में आपको करंट सेशन में करना है। जैसे जाओगे आप ये सेलेक्ट, ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा। वो हाईलाइट करने बाद में बोला है कि आपको इसमें बोल्ड करना है, आप केवल इसको अपन बोल्ड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था अपना कि चौथे पैराग्राम जहाँ भी भारतीय शब्द लिखा हुआ है उसे बोल्ड करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन। और क्वेश्चन ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, वाटरमार्क वाला। डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क में भारत टाइप करें, उसे टेक्स्ट डार्क ग्रीन और फॉन्ट साइज 54 PT अप्लाई करना है। तो अपन डिजाइन में जाएंगे, और डिजाइन में जाते ही वाटरमार्क में जाना है। वाटरमार्क में जाओगे आप, कस्टम में जाना है और टेक्स्ट सेलेक्ट करना है आपको। और टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ से आपको भारत लिखना है। भारत अगर प्रथम वर्ड कैपिटल, प्रथम करेक्ट कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है। और ये है साइज क्या दी, साइज अपन 54 के लिए बोला है 54 दे देंगे अपन। कलर के लिए बोला है डार्क ग्रीन, अगर डार्क ग्रीन नहीं है तो जो सिंपल ग्रीन है वही डार्क ग्रीन माना जाता है। तो तीन तीन चीज़ें करनी है आपको, भारत लिखना है और फॉन्ट साइज चेंज करनी है, कलर देना है और अपन अप्लाई कर देना है। तो ये अप्लाई हो जाएगा और ये भारत आ गया इसमें। तो ये चीज़ थी, तो डॉक्यूमेंट ये वाटरमार्क वाला क्वेश्चन 4 नंबर का आता है ये, और इसमें दो तीन चीज़ें पूछ लेता है एग्जाम में। आगे चलते हैं द्वितीय की तरफ, बी की तरफ। द्वितीय पैराग्राफ अंग्रेजी शब्दों की टैली करना है। तो द्वितीय पैराग्राफ कौन सा है, ये रहा द्वितीय शब्द, और इसको सेलेक्ट करना है। अब इसमें ये रहता है कि आपने इसमें देखा होगा कि अंग्रेजी शब्द कहाँ लिखा हुआ है, तो पूरे अंग्रेजी के, तो पूरे को आपको इटैलिक करना है। आपको ये नहीं करना है कि केवल अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ है, सभी इंग्लिश में है तो सभी को आपको सेलेक्ट करना है, वो इटैलिक करना है। तो इटैलिक कर दीजिए यहाँ से, ये इटैलिक हो गए। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार अपन को समझ में नहीं आते हैं कि पूरे अंग्रेजी शब्द देखने लग जाते हैं ऐसे, तो ये चीज़ रहती है इसमें। आगे बात करते हैं अपन, सही है इसमें कि प्रथम पैराग्राफ के टेक्स्ट और डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करें।
तो खत्म पैराग्राफ में जाइए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और डबल स्ट्राइक थ्रू करना है आपको। डबल स्ट्राइक थ्रू करने के लिए यहाँ जाएंगे अपन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, और इसमें मिलेगा स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू। ओके कर दीजिए, तो डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया ही। आपने देखा होगा ये पेपर बहुत जल्दी हो गया होगा, तो ये थोड़ा इजी भी था, धीरे धीरे इस लेवल बढ़ाया है, और अपनी कोशिश ये रहेगी एफिशिएंसी है वो पूरे में से पूरे हो अपने क्वेश्चन, और ये हो रहेंगे ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी के रिगार्डिंग। फिर द्वितीय पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.75 सेट करें, द्वितीय पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है आपको। और द्वितीय पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग कहाँ मिलेगी, पैराग्राफ में जाएगी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के अंदर, लाइन स्पेसर ये आ गया। लाइन स्पेसर, लाइन स्पेस सिंगल में नहीं करना आपको, मल्टीपल सेलेक्ट करना है, और मल्टीपल में जाके फिर करना है आपको 1. आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे, तो 1.7 करोगे आप तो ये अप्लाई हो जाएगी, 1.75 ये हो गई। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ मैं, तो आप आराम से वैसे भी कर सकते हो। फिर अब बी, चौथा का बी है, क्वेश्चन नंबर चौथा है बी कि चौथे पैराग्राफ स्पेशल फर्स्ट लाइन इंडेंट 2.5 शेयर करें, तो चौथे पैराग्राफ में जाना है आपको। सेलेक्ट भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी आप वहाँ पे स्क्रॉल करोगे या एरो ले जाके क्लिक कर दोगे, तो चौथे पैराग्राफ में लाइन इंडेंट, तो पैराग्राफ में जाना है आपको, और स्पेस ये इंडेंट आ गया, और फर्स्ट लाइन में जाना है। अब इसमें जितना बोला है आपको वो करना है, आपको 2.5 करना है, ये भी ध्यान रखना है 2.5 करना है, और फिर आपको ओके करना है। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट ये आ गया है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, थर्ड का सी है, प्रथम दूसरे पैराग्राफ को क्रम से जस्टिफाई और राइट अलाइन करें। अच्छा ये था कि प्रथम पैराग्राफ को तो आपको जस्टिफाई करना है और दूसरे पैराग्राफ को राइट अलाइन करना है। इसमें एक क्वेश्चन में दो बोले हैं, तो प्रथम पैराग्राफ को जस्टिफाइड है ऑलरेडी, तो जस्टिफाई कर दीजिए, और जस्टिफाई करना है, और दूसरे पैराग्राफ को राइट अलाइन करना है, तो दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है आपको, और इसका राइट अलाइन करना है आपको। तो ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने, एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मेट करना था, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो इसलिए मैंने ये दिया था आपको। क्रम से बोला है तो पहले उसको कीजिए प्रथम वाले को, फिर दूसरे वाले को कर दीजिए। अब चलते हैं फोर्थ ये एक ही तरफ, और यह है कि पेज साइज इलीगल सेट करनी है, फर्स्ट फर्स्ट साइज लीगल सेट करें, तो पेज लेआउट में जाना है आपको, साइज में जाना है, और साइज में आप देखोगे ये लीगल रहा है। इसमें अलग अलग है, A3 है, A4 है, और आपके पास कभी कभार ये होता है कि जो वर्जन होता है अपने पास उसमें अलग अलग रहते हैं, जैसे स्टेटमेंट इसी में दे रखा है 2013 में, अदर में नहीं है, तो पेज साइज का क्वेश्चन आए तो वो अपने आप ये सेट हो जाएगी। ये देखो लीगल सेट हो गई, तो फिर अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं, तो ये लो आगे क्वेश्चन है अपना। आगे क्वेश्चन, द्वितीय पैराग्राफ के अंग्रेजी शब्दों को कैपिटल ईच वर्ड करें, तो वही क्वेश्चन है कि द्वितीय जितने भी हैं तो सभी पूरा ही है ये, तो इसमें अपन को सोचना नहीं है कि अंग्रेजी शब्द ढूंढना है, कैपिटल आई ईच वर्ड करना है। ये केस 4-5 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ईच वर्ड हो गया, तो ये हो गया है कैपिटल ईच वर्ड, ये था। आगे बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं, ये 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन हेडर वाला, वो हेडर के अंदर है कि हेडर डालकर उसमें पेज नंबर सेट करें, है ना, तो ये तो हेडर में जाना है, पेज नंबर डालना है वो हेडर के लिए, आपको इंसर्ट में जाना है, हेडर में पेज नंबर डालना है। तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको इसमें, कि अगर आप यहाँ से जाके पेज नंबर डालोगे, एक टाइप करोगे, तो ये चीज़ आपने ऐसे किया होगा जिनको पता है, तो वो आगे कुछ और भी है। अब आप एक पेज नंबर होगा मतलब होता है कि 1, 2, 3 ऐसे आना चाहिए, तो आप अगर ऐसे कर रहे हो तो ये गलत है आपका तरीका। अपन सेकेंड पेज पे आए तो ये भी 1 ही आ गया, तो आपको इसके लिए पेज नंबर दे हेडर में, तो उसको ध्यान रखना है आपको, हेडर में नहीं जाना, पेज नंबर पर जाना है आपको, और टॉप के लिए हेडर में आएगा। अब आप देखना ये चीज़, ये आ गया, ये 2 नंबर आ गया पेज, तो पेज इसका ध्यान रखना है। इस पे मैं थोड़े 1, 2, 3 टैब है उन पे क्वेश्चन लेंगे और उनका सही तरीके से अपन उस पर बात करेंगे, तो हेडर वाले पे ध्यान रखना है पेज नंबर के लिए, तो पेज नंबर पे हेडर में टॉप बॉटम पे फुटर में जाएगा अपने आप ये चीज़, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आप चीज़ें वो। तो हेडर वाला हो गया ये, इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं टेबल की तरफ, 3 क्वेश्चन टेबल के दिए हैं मैंने, और टेबल फॉर्मेट में
टेबल के दूसरे कॉलम के टेक्स्ट को हाईलाइट करें व राइट अलाइन करें टेबल के दूसरे। तो आप ये जैसे एरो आती है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कॉलम के टेक्स्ट को हाईलाइट, दूसरे कॉलम के टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। हाईलाइट कर दिया है ये लो। अब आपको ये हट गया हाईलाइट ये ना, तो इसको फिर सेलेक्ट करना है, राइट अलाइन करना है। तो ये राइट अलाइन है यहाँ से करेंगे, ये राइट अलाइन हो गया ये। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी है टेबल का। टेबल दी भी रहेगी और कभी कभार बनवा भी सकता है, लेकिन पिछली बार नहीं बनवाई थी तो बनाने की आप कोशिश भी करना कि बना के फिर अपन ड्रॉ करनी हो। टेबल के तीसरे कॉलम में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू इटैलिक करें। तो तीसरे इसको सेलेक्ट कर लिया, स्ट्राइक थ्रू करना है, स्ट्राइक थ्रू कर दिया। यहाँ से जाके आप वो इटैलिक करना है तो ये इटैलिक कर दिया है। ये सिंपल है वैसे फॉर्मेटिंग। फिर आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन कि टेबल की प्रथम रो के टेक्स्ट वो डार्क येलो करें तथा सेंटर अलाइन करें। तो फर्स्ट रो यही रहेगी आपको, और इसको क्या करना है, टेक्स्ट को डार्क येलो से आपको ये करना है। तो डार्क येलो, अब डार्क हाईलाइट करना है तो येलो जो है सिंपल वही है, डार्क नहीं है इसमें, तो सिंपल जो है वही येलो हो जाएगा। और फिर बोला है इसमें कि अलाइन सेंटर करें, सेंटर अलाइन में जाके आप इसको सेंटर कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन थे 15 अपन ने, और पेपर इजी था ये। मैंने फर्स्ट पेपर थोड़ा इजी दिया था कि आपको सही तरीके हो सके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, इसलिए इजी दिया था। और लेवल लगभग सेम ये रहेगा, एक दो क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ सकते हैं, वो अपन धीरे धीरे इसमें कर लेंगे कवर। तो ये चीज़ थी, अपन ने इसमें फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन देख लिया है, पहले जो पेपर डाले हैं अब उनका सॉल्यूशन देखेंगे पर डे एक एक हिसाब से। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए आप अपने साथ। जय हिंद, जय भारत।